बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला आज महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान हित में आए अध्यादेश में किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। महोबा पहुंचे बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता राजा बुंदेला ग्राम जैतपुर में किसानों से केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर चर्चा करेंगे और उन्हें किसान अध्यादेश से होने वाले लाभ बताएंगे। शहर के सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के लिए जो अध्यादेश लाई है उससे किसानों को आड़तियों से निजात मिलेगी, साथ ही सीमा की बंदिश से मुक्ति भी मिलेगी, मगर विपक्ष गलत तरीके से बिना पढ़े अध्यादेश को लेकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अचानक नहीं, ये दौरा है पूरे बुंदेलखंड का, सातों जिले का, उत्तर प्रदेश का, और ये किसानों से हम लोग संवाद कर रहे हैं। किसान जो दो बिल आए हैं उन बिल को लेकर एक अजीब सा, लोग बगैर बिल को पढ़े, बगैर बिल को सुने, बगैर बिल की विवेचना किए हुए उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। हमारा मकसद किसानों तक पहुंचना है। हमारी तीन चौपालें यहाँ लगी हैं, चित्रकूट बांदा से हम करके सीधा चले आ रहे हैं। तीन चार पाँच मुद्दे हैं जो सरकार के, जो हम किसानों को रख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सुशांत मामले में रिया और उसके भाई सुशांत के घर पर ही नशे का कारोबार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि रिया इस मामले में दोषी हैं। यही नहीं, अब बॉलीवुड में नशाखोरी भी खुलकर सामने आ गई है। फिल्म मेकर एकता कपूर को लेकर राजा बुंदेला ने कहा कि उनकी फिल्म और सीरियल संस्कृति को बर्बाद कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बन रही फिल्म सिटी में यहाँ के लोग अब कम बजट में अच्छी फिल्म बना पाएंगे, साथ ही बुंदेलखंड के कलाकारों को भी इसका लाभ मिलेगा। सिनेमा में हाजी मस्तान से लेके करीम राला से लेके बर्दियार से लेके नंबर दो के लोग थे, उन्होंने फिल्म स्थान को पूरी तरह से दबाया हुआ था। अच्छी बात यह है, जो हम सब लोगों के लिए खुशी की एक बात है, कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का नोएडा में निर्माण हो रहा है। 1000 एकड़ जमीन तय कर दी गई है, वहाँ एयरपोर्ट भी बनेगा गाँव। उससे क्या होगा कि जो बुंदेलखंड का जो पर्यावरण है, जो खूबसूरती है, वो सीधे आपका चित्रकूट एक्सप्रेस वे बनी गया है, चित्रकूट में हवाई अड्डा बनी गया है, तो ये वहां पर जो गड़बड़ हुई है उसका फायदा हमें होगा। रिया गुनहगार है या नहीं है ये तो कानून तय करेगा, लेकिन उसने झूठ तो बोला है। उसने कहा, एक इंटरव्यू में कहा, मैं नशे को लेती नहीं हूँ, मैंने छुआ तक नहीं, जबकि दोनों भाई बहन नशे के कारोबार में पूरी तरह से लिप्त थे। सुशांत के घर में ही नशे के ड्रग खरीद फरोख्त होती थी, तो वो मसला कोर्ट का है। लेकिन उसका पहला जो फर्स्ट दृश्य, जो हम कहते हैं प्रथम दृश्य, उसमें तो वो दोषी है कि सरकार के पास पहला मौका है। इस पूरे के पूरी इसकी सफाई होनी चाहिए। ईमानदार आदमी वहां बहुत सारे हैं, पूरी इंडस्ट्री खराब नहीं है, लेकिन जो छोटे से कम खराब लोग हैं उन खराब लोगों ने पूरी इंडस्ट्री को बदनाम किया। एकता कपूर ने पूरी हमारी संस्कृति खत्म कर दी है। किस तरह के यहाँ चैनल पे किस तरह से सीरीज आए थे आप सोच सकते हो, पूरी हमारी भारतीय सामाजिक परंपराओं को उसने तहस नहस कर दिया। अब ऐसा ना हो कि सिनेमा और आगे बढ़ के और हमारी परंपराओं को खत्म करे। सरकार को अगर करना है तो पूरा क्लीन करे। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट।